हाँ जी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू योर फेवरेट, माय फेवरेट, सबका फेवरेट चेतन मलिक क्लास। कैसे है बेटा आप सब लोग? हाँ जी आ गए बेटा, सब लोग ऑनलाइन आ चुके हैं। आ जाओ जी फटाफट से। हां जी चले बेटा, सब लोग आ गए ऑनलाइन। चलो जी, तो सबसे पहले ये बताना चाहूंगा, जिन बच्चों ने एडमिशन नहीं लिया है, सीए इंटर बोथ ग्रुप हम आपके लिए लेके आए हैं मात्र 48,000 रुपीज में। ऑनलाइन लाइव प्लस अनलिमिटेड टाइम्स आप उसकी रिकॉर्डिंग देख सकते हैं और कलर्ड बुक्स की पीडीएफ। और अगर आप सिर्फ रिकॉर्डेड लेना चाहते हैं तो मात्र 40,000 में एकदम लेटेस्ट बैच आपको रिकॉर्डेड मोड में मिलेगा। बहुत बेहतरीन बैच आपको मिलेगा। डेली की डेली क्लास जो होगी वो आपके रिकॉर्डेड मोड पे आ जाएगी। तो अभी तक एडमिशन नहीं लिया है तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है जी, लास्ट क्लास में हम लोग कहाँ पहुंच गए थे जी, जरा बताएं फटाफट से। हम लोग कहाँ पे थे जी, कहाँ पर थे, कहाँ पर थे, कहाँ पर थे लास्ट क्लास में, जरा फटाफट से बताएं। लास्ट क्लास में हम लोग कहाँ पर थे जी? आपको होमवर्क करना था प्रॉब्लम नंबर 3, 4, 68, 65, 24, 25, 26 और 28। ये प्रॉब्लम्स थी आपकी होमवर्क में। अदिति कह रही है सारी हो गई, सूरज कह रहा है सारे हो गए, बाकी नालायक, विदुषी भी कह रही है हो गया, छबीला रसीला के भी हो गए हैं, ओम कुमार के भी हो गए हैं, यशिका के भी हो गए हैं। और मुद्दे की बात यह है, समझ में आए कि नहीं आए, सवाल यह है। इसमें कोई आपके डाउट है तो मुझे बताएं बेटा। आपके आज हमने होमवर्क डिस्कस करना है पहले, और होमवर्क डिस्कस में आपके जो डाउट्स हैं, अरे तेरी, अदिति कह रही है एक भी डाउट नहीं है, यशिका भी कह रही है एक भी डाउट नहीं है, आ गए सर, छबीला के भी डाउट नहीं है, गीतांशु के भी डाउट नहीं है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, इसे कहते हैं कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। मानसी गोला के भी डाउट नहीं है, सूरज कुमार को भी डाउट नहीं है। सवाल नंबर 25 में बस एक आपका डाउट बता रहे हैं, ओसी प्लस सीसी की कैलकुलेशन देख लेते हैं एक बारी। ये होती है कॉन्सेप्ट की ताकत, देख लो कॉन्सेप्ट की ताकत। देखो कॉन्सेप्ट की ताकत, कॉन्सेप्ट की ताकत। मैंने एक भी सवाल आपको नहीं कराया था, मैंने सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट घुसाया था आपके दिमाग में एग्जाम्पल से, कहानियों से, और आपने सारे सवाल बुकिश जो एग्जाम में आते हैं वो खुद किए और आपको प्रॉब्लम नहीं आई। ये होती है कॉन्सेप्ट की ताकत। जो मैं कहता हूं हमेशा कि अगर आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है तो आप कॉन्सेंट्रेशन से कोई भी सवाल करोगे आराम से हो जाएगा। अगर आपका कॉन्सेप्ट वीक है तो आप कितने ही सवाल कर लो, आपको हर नए सवाल, कभी कोई नया पॉइंट आएगा आपको दिक्कत होगी। तो अब जरा देखते हैं हम लोग सवाल नंबर 25। अच्छा, एक बच्चा स्पर्श कह रहा है कि सर जो आपने लास्ट क्लास में क्वेश्चन कराया था
उसमें जो रेलेवेंट कॉस्ट का फॉर्मूला है ओसी प्लस सीसी, वो तो सर आपने कहा था डायरेक्टली टू एओसी से भी आ सकता है। मैंने कहा हाँ आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो सर आपने क्यों नहीं लिया टू एओसी? ये फॉर्मूला सिर्फ तब अप्लाई होता है जब आपकी जो ईओक्यू वाली यूनिट्स हैं उस पे जब आप कैलकुलेट करते हो तभी कैलकुलेट होता है। मतलब अगर आपका ईओक्यू के हट के अगर आप कोई और ऑर्डर क्वांटिटी मंगवा रहे हो तो उस पे रेलेवेंट कॉस्ट का ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता है। सवाल नंबर 25 में बेटा डाउट क्या है जरा बताएंगे? इसमें क्या डिमांड है बेटा? सवाल नंबर 25 में क्या डिमांड कह रहा हूं, क्या क्या डाउट है, क्या डाउट है बेटा इसमें? जिसका भी डाउट है कृपया करके बताएं क्या डाउट है सवाल नंबर 25 में। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप सारे सवाल कर पाए। कंपनी मैन्युफैक्चरर्स अ स्पेशल प्रोडक्ट जिसमें अल्फा चाहिए, एनुअल डिमांड अल्फा की 8000 है, 2 इंटू ए इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट 200, कैरिंग कॉस्ट है बेटा 20% और 400 का, तो ये आपका आ जाएगा 200 यूनिट। ये तो पॉइंट क्लियर हो गया। और कह रहा है अगर, वैसे हमारा ईओक्यू 200 है, कह रहा है अगर हमें 4000 एक बार में मंगवाने हो और 4% सामने वाला डिस्काउंट दे रहा तो क्या एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें? तो इसमें कह रहे इसमें क्या है, अगर आप ईओक्यू 4400 करके मंगवाओगे तो क्या होगा? अगर आपका ईओक्यू सॉरी 200 यूनिट का है, आई एम सॉरी, ईओक्यू 200 यूनिट का है तो क्या होगा बताओ बेटा? परचेज कॉस्ट 8000 यूनिट एट द रेट 400 रुपए, ये परचेज कॉस्ट आएगी। ऑर्डरिंग कॉस्ट 8000 यूनिट है, एक बार में 200 मंगवा रहे हो तो नंबर ऑफ ऑर्डर आपके आ जाएंगे डिवाइड करके इंटू में, ऑर्डरिंग कॉस्ट है पर ऑर्डर 200 रुपए, ये भी हो गया। कैरिंग कॉस्ट आपकी है, एक बार में आप 200 यूनिट मंगवा रहे हो, अरे वो लिखा ऐसा हुआ है 200 यूनिट एक बार में मंगवा रहे हो और एक यूनिट की कैरिंग कॉस्ट कितनी है 20% ऑफ 400, 200 यूनिट एक बार में मंगवा रहे हो तो उसका आधा ऑन एन एवरेज गोदाम में रहेगा यानी 100 यूनिट, ठीक है, उसका 20% आपका गोदाम में रहेगा। यहां तक हो गया पॉइंट क्लियर? ये आपकी कैरिंग कॉस्ट टोटल कॉस्ट आ गई। बी में अगर हम वो कह रहे हैं 4000 यूनिट एक बार में मंगवाएं, यही कह रहे ना, तो 4% हमें डिस्काउंट मिलेगा यानी 400 रुपए का भी प्रोडक्ट आता है उसमें से 4% माइनस कर लो तो आपकी परचेज कॉस्ट कितनी आएगी 384 रुपए, 4% कितना आ जाएगा 16 रुपए, ठीक है ना, 384 का हमें मिलेगा तो पूरे साल में चाहिए 8000 इंटू में 384, ये परचेज कॉस्ट आ गई। ऑर्डरिंग कॉस्ट 8000 पूरे साल में चाहिए, एक बार में 4000 मंगा रहे हो तो नंबर ऑफ ऑर्डर कितने हो गए बेटा आपके, दो हो गए, नंबर ऑफ ऑर्डर दो हो गए तो दो से मल्टीप्लाई कर दो, 200 रुपये ऑर्डरिंग कॉस्ट है। और कैरिंग कॉस्ट बेटा कैसे निकालोगे नलायको, कैरिंग कॉस्ट कैसे निकालोगे, एक बार में 4000 मंगाओगे तो उसका आधा ऑन एन एवरेज गोदाम में रहेगा और पर यूनिट कैरिंग कॉस्ट कितनी है सर, परचेज प्राइस अब 384 हो गया, उसका 20% इज माई कैरिंग कॉस्ट। इसमें क्या दिक्कत है पांडे जी? ए पांडे जी, पांडे जी इसमें क्या दिक्कत हो गई? 384 इंटू में 0.20, 76 रुपये 80 पैसे इंटू में 2000 आ तो रहा है 153 600। हाँ जी पांडे जी बताएं आपकी समस्या का समाधान हुआ या नहीं हुआ, बताएं बेटा बताएं, कहानी क्लियर हुई कि नहीं हुई? चले बेटा कल के होमवर्क में आपको और कोई डाउट है तो बताएं। बिन तेरे सनम, नहीं बेटा नहीं सूरज, जरूरी नहीं है आप इसी फॉर्मेट में लिखें, हमने क्लास में कुछ और किया था वैसा भी कर सकते हैं, ये कोई हार्ड एंड फास्ट लॉ तो है नहीं ना, इसी फॉर्मेट में आपको करना है, ऐसा कुछ नहीं है। कल के होमवर्क में आप मुझे डाउट बताएंगे।
चले बेटा। चल सकते बेटा। सृष्टि कह रही है सर कल जो डिस्कस किया था उसका लास्ट पार्ट, कल हमने जो डिस्कस किया था उसका लास्ट पार्ट में क्या है कि वो कह रहा था अगर आप ईओक्यू पुराने वाला लो और ऑर्डरिंग कॉस्ट नए वाली लो तो हमारी रेलेवेंट कॉस्ट में क्या डिफरेंस आएगा। तो मैंने ईओक्यू पुराना ले लिया तो मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट में ये आ गया और कैरिंग कॉस्ट मेरी ईओक्यू पुराना है तो कैरिंग कॉस्ट आ गई मेरी, ऐड कर दिया और पिछले और इस पार्ट में आपको रेलेवेंट कॉस्ट में डिफरेंस निकालना था। चले बेटा आज का नया कॉन्सेप्ट बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। पहले नोट करोगे पहले समझोगे, पहले थोड़ा सा नोट करो। आज हेडिंग डालो स्टॉक लेवल, टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू ऑर्डरिंग प्लस कैरिंग, टोटल कॉस्ट इज ऑर्डरिंग प्लस कैरिंग प्लस परचेज कॉस्ट। हेडिंग डालो बेटा, मैं आपको मटेरियल चैप्टर में हम लोग क्या कर चुके हैं याद है, हमने टॉपिक्स टू बी कवर्ड लिखा था, याद करो वो दिन। हमने ईओक्यू कर लिया है, टॉपिक्स की अगर मैं बात करूं हमने ईओक्यू कर लिया है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के कॉन्सेप्ट कर लिए हमने, अब हम करने जा रहे हैं स्टॉक लेवल और स्टॉक लेवल के बाद हम लोग करेंगे परचेज ऑफ मटेरियल। तो हेडिंग डाल लो स्टॉक लेवल्स आज हम लोग करने जा रहे हैं। पहले इसका कॉन्सेप्ट लिखोगे आप, लिखने के बाद मैं आपको समझाऊंगा इसका कॉन्सेप्ट, और या फिर हम ये भी कर सकते हैं कि मैं पहले आपको समझा दूं और लिखने वाला पार्ट होमवर्क में दे दूं, आप लिख भी सकते हैं, मैं दोनों काम आपके लिए कर सकता हूं। क्या चाहोगे बताओ, क्या चाहोगे? चलो मुझे पता था वैसे समझदार बच्चे हैं, यही कहेंगे कि सर पहले समझा दो लिख हम घर पे लेंगे। बहुत बढ़िया बेटा बहुत बढ़िया। अब ना बिल्कुल कान खोल के अपना फोन वोन रख दो साइड में, मैं भी साइड में रख देता हूं। फोन रख दो बेटा साइड में, रखो बेटा जल्दी रखो, तुम मैं तुम्हारी वेट कर रहा हूं। रख दिया बेटा फोन, रख दिया साइड में सबने? लो मैंने भी रख दिया, सारी चीजें साइलेंट करके रख दी। अब सुनो मेरी बात, अगला अगला कॉन्सेप्ट है, अगला कॉन्सेप्ट है स्टॉक लेवल का, ध्यान से सुनना बेटा। अब मेरा गोदाम है, एक वेयर हाउस है, वेयर हाउस चैप्टर का नाम है मटेरियल, ध्यान से समझना, बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज, बिल्कुल देसी तरीके से समझाएंगे, ऐसा समझाएंगे ऐसा समझाएंगे कि बस। सुनो अब मेरा एक वेयर हाउस है जिसमें मैं रॉ मटेरियल को रखता हूं, लाता हूं रॉ मटेरियल को रखता हूं। अब एक बार में कितना माल मंगवाऊं दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड एज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी और रीऑर्डर क्वांटिटी, उसका एक और नाम है ईओक्यू का, एक और नाम है आरओक्यू, रीऑर्डर क्वांटिटी। वो क्या बताता है आपको, एक पूरे साल की आपकी जो भी एनुअल रिक्वायरमेंट है, पूरे साल की आपकी जो भी एनुअल रिक्वायरमेंट है उसमें से इतना कितना करके एक बार में माल मंगवाना चाहिए जिससे आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए।
दैट इज ईओक्यू। तो माल तो उतना मंगवाओगे, लेकिन सवाल उठता है कब कब मुझे ऑर्डर प्लेस करना चाहिए, मुझे ऑर्डर प्लेस कब करना चाहिए। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, ध्यान से मेरे सवाल का जवाब देना। मेरा सवाल क्या है, मुझे रॉ मटेरियल का ऑर्डर कब प्लेस करना चाहिए, मेरे गोदाम में कितना माल हो जाए, किस लेवल पे माल आ जाए और मुझे नया ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए। मेरा आपसे एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल क्या है, एक दिन में जो मैं मैक्सिमम क्वांटिटी यूज करता हूं, एक दिन में जो मैं मैक्सिमम क्वांटिटी यूज करता हूं, एक दिन में जो मैं मैक्सिमम क्वांटिटी यूज करता हूं वो है 5,000 यूनिट। मेरा जो रॉ मटेरियल, बिल्कुल देसी भाषा में बात कर रहे हैं हम तुमसे, मैक्सिमम जो मैं एक दिन में यूज करता हूं 5,000 यूनिट, और जिस व्यक्ति से माल मंगवाता हूं वो माल को लाने में 5 दिन लगाता है मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा 5 दिन लगाता है, इससे ज्यादा नहीं लगाता। तो लॉजिकली बताना कि मुझे कब ऑर्डर प्लेस करना चाहिए। और दूसरा पॉइंट जो आपको दिमाग में रखना है वो क्या रखना है कि भाई वेयर हाउस में इस लेवल पे मुझे ऑर्डर प्लेस करना है कि माल को आने में कुछ समय लगेगा, उस समय पे मैं कुछ कंज्यूम भी करूंगा, और मुझे मेक श्योर करना है कि मेरी जीरो लेवल यानी लेबर खाली ना बैठे, जीरो लेवल से पहले अगला माल आ जाना चाहिए। मतलब अगर मेरा माल खत्म हो गया और अगला माल नहीं आया तो क्या होगा, मेरी लेबर खाली बैठेगी, मुझे उस चीज का ध्यान में रखना है। तो मेरा सवाल आपसे क्या है कि गोदाम में किस स्टॉक लेवल पे मुझे अगला ऑर्डर प्लेस करना चाहिए जिससे मेरी लेबर खाली ना बैठे और मुझे बिल्कुल रिस्क नहीं लेना, मुझे बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है। अगर लेबर एक भी दिन खाली बैठी तो आपका बॉस आपके चतुर्वेदी पे लात मारेगा, ठीक है ना। तो आपको वो चीज ध्यान में रखनी है कि मुझे लात ना पड़े मेरे मालिक से, मैं इस कंपनी का सीए हूं, लेबर खाली नहीं बैठनी चाहिए। तो गोदाम में इतना माल जब हो जाए मुझे ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए। मैक्सिमम मेरे एक दिन की कंजम्पशन 5,000 है यूनिट्स, और मैक्सिमम समय सामने वाला जो माल को लाने में लगाता है, वेंडर जिससे हम माल खरीदते हैं वो 5 दिन लगाता है, तो मुझे ऑर्डर कब प्लेस करना चाहिए। जवाब दें, जवाब दें, जवाब दें, मुझे ऑर्डर कब प्लेस करना चाहिए। आप इस कंपनी के सीए हैं, और अगर एक भी दिन लेबर खाली बैठी तो आपका बॉस आपको गाली देगा, सीधी और आखिरी बात। बताओ, दिमाग लगाओ, 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 लगाओ। अदिति अग्रवाल ने बिल्कुल सही जवाब दे दिया है, क्योंकि उसके नाम के आगे अग्रवाल है, बनिया है। अब बनिया है व्यक्ति तो बनिया तो हिसाब के पक्के होते हैं, तो उसने जवाब सही दे दिया है। गुप्ता जी ने जवाब गलत दिया है। सृष्टि तुम हो क्या, मतलब लड़की तो हो, सृष्टि तुम्हारे नाम से पता लग रहा है, मतलब आगे क्या है, आगे सरनेम। सृष्टि भसूड़ी, ओ सॉरी सूरी, ठीक है, तो पंजाबी हो इसका मतलब, ठीक है, फिर भी जवाब तुम्हारा ठीक है। अग्रवाल, सेजल अग्रवाल का भी जवाब सही है, नवजोत सिंह सिद्धू का भी जवाब सही है, खान साहब का भी जवाब सही है। इस बैच में पूरा भारत, हमारे देश में, मतलब हमारे देश में जितनी भी प्रजातियां हैं वो सब इस बैच में है। मानसी गोला, सूरज कुमार, आरिफ खान, नवजोत सिंह सिद्धू, सेजल अग्रवाल, सृष्टि सूरी, हर कॉम्ब, रश्मि यादव, मोनिका यादव, शबीला, बिल्कुल। एक तो जवाब सही दिए बच्चों ने, दूसरे समझदार इंटेलिजेंट बच्चे हैं इस बैच में, बिल्कुल एकदम। अब सर आपको ना, आपके गोदाम में जब 25,000 यूनिट हो तो आपको ऑर्डर प्लेस करना चाहिए। मैंने कहा बताओ क्यों, ऐसा क्यों कहा आपने कि 25,000 पे सर ऑर्डर प्लेस करना चाहिए। गोदाम में जब आपका लेवल, स्टॉक का लेवल 25,000 पहुंच जाए तो आपको अगला ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए। क्यों सर, देखो मैक्सिमम माल को आने में 5 दिन भी लगे, मैक्सिमम माल को आने में 5 दिन भी लगे
और उन 5 दिनों में मैं अपनी मैक्सिमम कंजम्पशन भी कर गया। मेरी एक दिन की मैक्सिमम कंजम्पशन कितनी है? 5,000। और माल को आने में मैक्सिमम 5 दिन भी लग गए, तब भी 5 दिनों के अंदर मेरा 25,000 यूनिट ही तो कंज्यूम होगा। और 25,000 पर अगर मैं ऑर्डर प्लेस करता हूं, 5 दिन में मेरा 25,000 कंज्यूम हो भी गया, तब भी 5 दिन बाद तो मेरा माल आ ही जाएगा और लेबर खाली नहीं बैठेगी। तो आपने बिल्कुल भी रिस्क ना लेते हुए मैक्सिमम टाइम कंसीडर कर लिया कि सामने वाले ने माल को लाने में मैक्सिमम टाइम लगा दिया, और सा आप उन टाइम में भी मैक्सिमम कंजम्पशन कर गए, तब भी 25,000 पे अगर आप ऑर्डर प्लेस करते हो तो अगले माल को आने में 5 दिन लगे, और उन 5 दिनों में आपने मैक्सिमम कंजम्पशन 5,000 भी कर ली, तब भी 25,000 खत्म होते में, जैसी खत्म होगा आपका नया माल आ जाएगा। और जो नया माल आता है वो कितना माल मंगवाओगे? सवाल मेरा ये है, लॉजिकली कॉन्सेप्चुअली जवाब देना। जो नया माल आता है उसको क्या बोलते हैं? एग्जैक्टली, उसको ईओक्यू बोलते हैं। जो माल आप एक बार में मंगवाते हो जितना, उसको तो ईओक्यू बोलते हैं। ये क्या कैलकुलेट किया है? इतने लेवल पे माल मंगवाना है या इतना माल मंगवाना है? दोनों बातों में फर्क है। इतने लेवल पे माल मंगवाना है, एग्जैक्टली। जो आप क्वांटिटी ऑर्डर करोगे, जितना माल मंगवाओगे, दैट इज कॉल्ड एज री ऑर्डर क्वांटिटी या इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। और जिस लेवल पे माल मंगवाते हो उसका नाम क्या है? री ऑर्डर लेवल। समझो, दोनों वर्ड्स में फर्क समझो। री ऑर्डर लेवल इज द लेवल जिस पे हमें माल मंगवाना है, कितना मंगवाना है, दैट इज कॉल्ड एज री ऑर्डर क्वांटिटी या फिर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। बताएं जी, ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? तो री ऑर्डर लेवल का फॉर्मूला आपने 25,000 यूनिट कैसे निकाली है? मुझे फॉर्मूला बना के दोगे? तुम्हें आ गया, समझ में आ चुका है तुम्हें? रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला बना के दो। फार्मूला क्या फार्मूला है? व्हाट मल्टीप्लाई बाय व्हाट? अरे इंग्लिश में बता दो अग्रवाल जी, बता दो। तुम्हें तो मैं कुछ कह भी नहीं सकता, शिवाली भी अग्रवाल है। बताओ यशिका। एग्जैक्टली, मानसी गोला ने बिल्कुल गोल जवाब दे दिया है, बिल्कुल बढ़िया। मैक्सिमम क्वांटिटी यूज इन पर डे इंटू में मैक्सिमम टाइम टेकन बाय द वेंडर, मैक्सिमम यूनिट इंटू में मैक्सिमम डेज। यशिका एक बात बताओ, हमारे माल को आने में 5 दिन लगेंगे, ठीक है, और उन 5 दिनों में अगर मैं 5,000 जो मैक्सिमम कंजम्पशन है वो कर भी गया, तब भी 5 दिनों में कितना माल खत्म होगा? सर 25,000 ही खत्म हो पाएगा, इतने में नया माल आ जाएगा। तो जब मेरे गोदाम में 25,000 यूनिट हो तो मुझे नया ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए, ताकि 5 दिनों में अगर मैं यूज भी कर गया माल तो 25,000 ही कर पाऊंगा। तो गोदाम में अगर 25,000 का लेवल है तो मुझे नया ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए, एंड दिस लेवल इज कॉल्ड एज री ऑर्डर लेवल। बताएं जी, ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? एग्जाम्पल समझना। अब अगला एग्जाम्पल समझना बेटा, मैं ना आपके साथ सारी चीजें बिल्कुल डिटेल में क्लियर करूंगा। सुनो, अगला एग्जाम्पल देखो, ये रहा एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल समझना जरा ध्यान से। मेरी कंजम्पशन जो आपको एग्जाम्पल में दे रखी है वो दे रखी है 2 से 5,000। इसका मतलब क्या है? कि मैं एक दिन में कम से कम 2,000 कंज्यूम करता हूं रॉ मटेरियल के, और ज्यादा से ज्यादा 5,000। ऊपर तो मैंने आपको डायरेक्टली मैक्सिमम गिवन था यहां पे, अब मैं मैक्सिमम नहीं दे रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं? एक दिन में कम से कम, जो फालतू डाउट पूछेगा ये उसके लिए, ये स्क्रू ड्राइवर्स हैं तुम्हारा पेज टाइट करने के लिए, समझ लो जरा ध्यान से। तो एक दिन की मेरी मिनिमम कंजम्पशन कितनी है? मेरी मिनिमम कंजम्पशन है 2,000, मैक्सिमम कितनी है? 5,000। मिनिमम 2,000 है, मैक्सिमम 5,000 है, और डेज भी मैंने अब आपको ऐसे दे दिए, मिनिमम 2 दिन, मैक्सिमम 5 दिन। मिनिमम 2 दिन लगेंगे सामने वाले को माल डिलीवर करने में, वेंडर जिससे हम रॉ मटेरियल खरीदते हैं, और मैक्सिमम 5 दिन लगेंगे। तो सर एक बात बताओ, आपने रीऑर्डर लेवल में, आपने मेरे को, आप जवाब दोगे सोच समझ के, सर आपने रीऑर्डर लेवल में 5,000 यूनिट और 5 दिन, मैक्सिमम डेज और मैक्सिमम यूनिट क्यों ली? इस सवाल का जवाब दोगे आप मेरे?
सर आप ये क्यों कह रहे हो 25,000 पे मंगवाओ, आपने ये क्यों एज्यूम किया? जवाब दो। एग्जैक्टली क्योंकि हमारा रिस्क हम नहीं चाहते। अब मैंने उसके लिए करके दिखाया, मैं कहता हूं कि तुम मान लो एज्यूम करो कि वेंडर 2 दिन लगाएगा, एज्यूम करो वेंडर 2 दिन लगाएगा, एज्यूम मैं सारी अजम्पशन आपको लेके दिखा रहा हूं, वेंडर 2 दिन लगाएगा जो उसका मिनिमम टाइम है, और उस मिनिमम टाइम में आप मिनिमम ही कंज्यूम करोगे, तो सर इसका मतलब हमें 4,000 के लेवल पे माल मंगवा लेना चाहिए। अगर 4,000 के लेवल पे तुमने माल मंगवाया और बाई चांस उसने 2 के 3 दिन लगा दिए और उन 3 दिनों में तुम्हारी कंजम्पशन 2,000 भी हुई, तब भी 6,000 तुम्हारे को 3 दिन में चाहिए, तुमने तो 4,000 पे ऑर्डर प्लेस किया है, तो एक दिन तुम्हारी लेबर क्या बैठ जाएगी, खाली बैठ जाएगी। समझ में आया पॉइंट? नहीं आया? और अगर तुम एवरेज एवरेज लेते हो कि सर हम ऐसा मान ले तो कि मेरी कंजम्पशन भी एवरेज होगी, एवरेज का मतलब ना 2,000 ना 5,000, 5 और 2 60 डिवाइड बाय 2 एवरेज 3,500, और टाइम भी 2 ना लगे 5 ना लगे, 5 प्लस 2 60 डिवाइड बाय 2 एवरेज 3.5 दिन लगे, तो सर हमें 12,250 के लेवल पे ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए, और बाई चांस 3.5 दिन से ज्यादा लग गए तो, और उन 3.5 दिनों में अगर हल्की सी भी कंजम्पशन ज्यादा हो गई तो आपके पास माल होगा नहीं और लेबर आपकी खाली बैठेगी। तो इसीलिए बेस्ट अजम्पशन क्या है, जिसमें कोई रिस्क नहीं है। हम ये मान रहे हैं कि मान लो मैक्सिमम टाइम भी लगा दिया सामने वाले ने वेंडर ने अगर मैक्सिमम टाइम भी लगा दिया और उस मैक्सिमम टाइम में मेरी कंजम्पशन मैक्सिमम भी हो गई, तो अगर सामने वाला 5 दिन लगा रहा और उन 5 दिनों में 5,000 भी खा गया, तो मुझे 25,000 पे अगर मैं ऑर्डर प्लेस करता हूं तो मेरे को कोई रिस्क नहीं होगा। इतने में नया माल आएगा, तब तक मेरे पास माल है काम चलाने के लिए। बताएं जी। बताएं बेटा किसको जरूरत है, जल्दी बताएं। समझ में आया कि नहीं आया? कि टाइट करूं? समझ में आया कि नहीं आया? मुद्दे की बात ही है। चले क्लियर हो गई? चलो चलो जी, चलो आगे चलते हैं। तो रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला समझ में आ गया? रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला क्या है, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू में मैक्सिमम टाइम पीरियड। चलो आगे चलते हैं। अब ध्यान से सुनना बेटा, अगला पॉइंट ध्यान से सुनना। मेरी कंजम्पशन, ये देखो अगला पॉइंट ध्यान से सुनना। रीऑर्डर लेवल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? रीऑर्डर लेवल, नाम से चले जाओ ना, नाम पे चले जाओ, रीऑर्डर लेवल, किस लेवल पे हमें ऑर्डर प्लेस करना चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, कंजम्पशन है 2 से 5,000 यूनिट, मिनिमम 2,000, मैक्सिमम 5,000, डेज 2 से 5 दिन, मिनिमम 2 दिन लगते हैं मैक्सिमम 5 दिन लगते हैं, और ईओक्यू 10,000। इसका क्या मतलब है, ईओक्यू 10,000 क्या है, ये क्या है, ये है क्या, ईओक्यू 10,000 गिवन है, क्या है ये? ये क्या है, ईओक्यू 10,000 गिवन है। इसका मतलब आपका जो भी रीऑर्डर लेवल होगा उस पे माल मंगवाओगे, लेकिन कितना माल मंगवाओगे, कितना 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 माल मंगवाओगे। एग्जैक्टली 10,000 माल मंगवाएंगे, बिल्कुल सही जवाब है। अब मेरा आपसे सवाल कुछ और है, मेरा आपसे सवाल ये है, सर रीऑर्डर लेवल तो आपने बोला 25,000 यूनिट पे हमें नया ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए, 25,000 यूनिट पे हमें नया ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए, ठीक है। मेरा अगला सवाल है, मुझे अब जो आपसे निकलवाना है वो निकलवाना है मैक्सिमम लेवल। मैक्सिमम पहले सवाल में हमने निकालना सीखा रीऑर्डर लेवल जो आया 25,000, अब मेरे को आपसे निकलवाना है मैक्सिमम लेवल, और मैं आपको उसके लिए हिंट दूंगा, आप खुद सोच समझ के मुझे जवाब दोगे, कॉन्सेप्ट आपके अंदर ही है, बनियों के तो अंदर है ही है, वो तो पैदा ही कॉन्सेप्ट लेके होते हैं, उनकी तो हॉबी होती है सीए करना, तो उनके अंदर तो है ही है, मैं बस आपको हिंट दूंगा, आपसे निकलवाऊंगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, सुनो सुनो अगली कहानी ध्यान से सुनो। मैक्सिमम लेवल का मतलब होता है आपके गोदाम में मैक्सिमम कितना माल हो सकता है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। मैक्सिमम लेवल का क्या मतलब होता है कि आपके गोदाम में
आपके गोदाम में मैक्सिमम रीऑर्डर, तो जिस पे हमें ऑर्डर प्लेस करना चाहिए, मैक्सिमम का मतलब कितना माल आपके गोदाम में मैक्सिमम हो सकता है, कितना माल आपके गोदाम में मैक्सिमम हो सकता है नया माल आने के बाद, नया माल आने के बाद। अब लॉजिकली सोचना, मैं आपको जब हिंट दे रहा हूं, सर अगर हम मैक्सिमम की बात करें, मेरे सवाल का जवाब देना, ध्यान से सुनना मेरी बात, पहले सुनो। सर देखो, 25,000 यूनिट पे हमने ऑर्डर प्लेस किया, 25,000 यूनिट जब मेरे गोदाम में थी मैंने ऑर्डर प्लेस किया, ठीक। उस माल को आने में सर कुछ टाइम लगेगा और उस उन दिनों मैं कुछ कंज्यूम भी करूंगा। 25,000 के लेवल पे सर मैंने ऑर्डर प्लेस किया, माल को आने में कुछ टाइम लगेगा और उन दिनों मैं कुछ कंज्यूम करूंगा, जिसकी वजह से मेरा माल गोदाम में कम हो जाएगा। 25,000 के लेवल पे मैंने ऑर्डर प्लेस किया है, 25,000 के लेवल पे मैंने ऑर्डर प्लेस किया है, माल को आने में कुछ दिन लगेंगे और उन दिनों में, उन दिनों में, उन दिनों में मैं कुछ कंज्यूम भी करूंगा, जिसकी वजह से मेरा 25,000 जिस पे मैंने ऑर्डर प्लेस किया वो धीरे धीरे कम भी होगा और कम होता चला जाएगा। और जैसी माल आएगा, माल जो आएगा उसे क्या बोलते हैं, ईओक्यू, रीऑर्डर क्वांटिटी, जैसी माल आएगा वो इसमें प्लस होगा और मेरा ये लेवल फिर से बढ़ जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं ये मैक्सिमम कब होगा। 25,000 के लेवल पे आपने ऑर्डर प्लेस किया, उसको आने में कुछ दिन लगे, उन दिनों आपने कुछ कंजम्पशन कर ली और आपका ये माल हो गया कम। 25,000 के लेवल पे ऑर्डर प्लेस किया, उन दिनों में माल को आने में कुछ समय लगा, उन दिनों में कुछ कंजम्पशन हो गई, उसने आपके लेवल को गिरा दिया, लेकिन जैसे ही ईओक्यू आया, 10,000 यूनिट आई, आपका लेवल फिर से बढ़ गया, और इसका आंसर मैक्सिमम कब आएगा। लॉजिकली सोच के बताना इसका आंसर मैक्सिमम कब आएगा। इसका आंसर ज्यादा से ज्यादा कब आएगा। 25,000 के लेवल पे आपका रीऑर्डर लेवल है, मतलब 25,000 के लेवल पे आप नया ऑर्डर प्लेस करते हो, ठीक है। 25,000 के लेवल पे आपने ऑर्डर प्लेस किया और माल को आने में कुछ समय लगेगा, उन दिनों में कुछ कंजम्पशन होगी, तो आपका 25,000 जो लेवल था वो धीरे धीरे गिरेगा, और जैसे ही नया माल आएगा विच इज कॉल्ड एज ईओक्यू, आपका ये लेवल फिर से बढ़ जाएगा। अब सवाल क्या है, सवाल ये है कि ये आंसर ज्यादा से ज्यादा कब आएगा, मैक्सिमम लेवल कब आएगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल समझदार बच्चे अदिति ने तो बहुत पहले ही जवाब दे दिया था। जब आपका यहां पे क्या एजम्पशन चलेगी, जब आपकी यहां पे क्या एजम्पशन चलेगी, जब आपकी एजम्पशन चलेगी कि टाइम भी आने में मिनिमम लगा और उन दिनों कंजम्पशन भी मिनिमम हुई, तो आपका आंसर ज्यादा से ज्यादा आएगा। मैं प्रूफ करके दिखाता हूं। देखो सर, 25,000 के लेवल पे आपने ऑर्डर प्लेस किया है, मैंने कहा हां, माल को आने में कुछ समय लगेगा, उन दिनों में कुछ कंजम्पशन होगी जो आपके 25,000 के लेवल को गिराएगी, और जैसे ही ईओक्यू आएगा तुरंत आपका लेवल फिर से बढ़ जाएगा। सवाल यह कि वो आंसर मैक्सिमम आना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा आना चाहिए। तो मैं यहां पे क्या एजम्पशन मानूं कि जिन कितने दिन लगे माल को आने में और उन दिनों कितनी कंजम्पशन हुई, ये आपको एक एजम्पशन लेनी है। सर तीनों एजम्पशन लेके चलते हैं, मिनिमम दिन लगे मिनिमम कंजम्पशन हुई, एवरेज दिन लगे एवरेज कंजम्पशन हुई, मैक्सिमम दिन लगे मैक्सिमम कंजम्पशन हुई, तो क्या होगा। 25,000 के लेवल पे आपने ऑर्डर प्लेस किया, मेरी पहली एजम्पशन कि माल को आने में समय भी दो दिन लगे, कम से कम दिन, और उन दिनों कंजम्पशन भी मिनिमम हुई, तो दो दिन लगे और 2,000 पर डे की कंजम्पशन यानी 4,000 मेरी यूनिट यूज हो गई। तो 25 में से 4,000 माइनस कर दो, बचे कितने, 21,000, और 21,000 में जैसे ही नया माल आएगा 10,000 वो ऐड हो जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, 31,000। सेकेंड एजम्पशन कि माल को आने में समय भी एवरेज लगा और उन दिनों कंजम्पशन भी एवरेज हुई, तो मतलब 12,250 मेरा यूज हो गया, 3.5 दिन लगे और उन दिनों मेरी 3,500 यूज भी हो गया, तो 25,000 में से 12,250 यूज हो गया और फिर 10,000 आया,
तो आपका आंसर आएगा 22,250, जो भी आंसर आएगा। और तीसरा ऑप्शन कि माल को आने में समय भी ज्यादा लग गया मैक्सिमम, और उस दिनों कंजम्पशन भी मैक्सिमम हुई, यानी आपने पूरे 25,000 यूज कर लिए, 25 में से 25 गए जीरो प्लस 10,000 आपका नया माल आया तो मैक्सिमम आएगा 10। तो ऑब्वियसली आंसर आपको मैक्सिमम चाहिए, तो माइनस वाली फिगर कम से कम होनी चाहिए, तभी तो आंसर मैक्सिमम आएगा। आपके गोदाम में मैक्सिमम लेवल कब पहुंचोगे, जब आप यूज कम करोगे। 25,000 के लेवल पे आपने ऑर्डर प्लेस किया, आप एजम्पशन क्या लोगे यहाँ पे कि यूज भी कम हुआ और दिन भी कम लगे, ताकि माइनस कम हो और उसमें जैसे ही ईओक्यू आएगा मेरा मैक्सिमम पे मैं पहुंच जाऊंगा। ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? तो मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला क्या बना, फॉर्मूला तुम्हारे सामने है। मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला क्या बना, रीऑर्डर लेवल जिस पे तुमने ऑर्डर प्लेस किया है उसमें से पहले क्या माइनस होगा, जितने दिन लगेंगे माल को आने में और उन दिनों जो आप कंजम्पशन करोगे, माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम डेज, ये माल कम होके रिमेनिंग जो बच गया, और उसमें फिर तुरंत जैसे ईओक्यू आएगा ये लेवल आपका बढ़ जाएगा प्लस ईओक्यू। बताएं जी ये पॉइंट आपको समझ में आया कि नहीं आया? व्हाट इज मैक्सिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल का मतलब कि आपके गोदाम में मैक्सिमम माल कितना हो सकता है। सारा ध्यान आपका समझने में होना चाहिए, नोटिंग में ध्यान नहीं होना चाहिए आपका। चले बेटा क्लियर हो गया? किसी का टाइट करना है क्या स्क्रू दोबारा से? सबने जवाब दे दिया है, सबने। मानसी गोला इसमें ईओक्यू तो प्लस करेंगे, रीऑर्डर लेवल माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम डेज प्लस ईओक्यू। बताएं बेटा कहानी क्लियर हो गई? जल्दी बताएं बेटा कहानी क्लियर होगी सबको? और जो बच्चे लाइव क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं, एक नंबर के नलायक है, मैं ये बात जानता हूं कि तुम्हारे में और जो लोग रिकॉर्डेड लेंगे बाद में जाके नलायक हैं, जिन्होंने लाइव के पैसे दिए और ले रहे हैं रिकॉर्डेड, एक नंबर के नलायक हैं। खैर एनीवेज ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? चलो अगला कॉन्सेप्ट नाम पे चले जाओ। अगला कॉन्सेप्ट क्या निकालना है मुझे? मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल का मतलब क्या होता है कि गोदाम में कम से कम माल कितना हो सकता है। अब मेरी लाइन सुनोगे ध्यान से फॉर्मूला खुद बना लोगे, मैक्सिमम लेवल में मैंने आपको क्या लाइन बोली थी कि नए माल के आते ही बताओ मेरे डब्बे में मैक्सिमम माल कितना हो सकता है। तो आपने बोला सर रीऑर्डर पे आपने ऑर्डर प्लेस किया, माल को आने में कुछ समय लगा, उन दिनों में मैंने कुछ कंजम्पशन की जिसकी वजह से मेरा माल कम हो गया और तुरंत नया माल आ गया। अब मुझे निकालना है मिनिमम लेवल। मिनिमम का मतलब कम से कम मेरे गोदाम में कितना माल हो सकता है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन माई बिजनेस। लेकिन इसकी अजम्पशन क्या है? नया माल आने से पहले मिनिमम लेवल क्या हो सकता है? नया माल आने से पहले, नया माल आएगा तो मिनिमम कैसे रहेगा, वो तो लेवल बढ़ ही जाएगा। नया माल आने से पहले मतलब आपको ईओक्यू उसमें ऐड नहीं करना, नया माल आने से पहले आपके गोदाम में कम से कम लेवल क्या हो सकता है। अब ध्यान से सुनना सर, रीऑर्डर लेवल आपने ऑर्डर प्लेस किया, 25,000 पे आपने ऑर्डर प्लेस किया, माल को आने में कुछ समय लगा और उन दिनों आपने कुछ कंजम्पशन की जिसकी वजह से आपका 25,000 कम हो गया, 25,000 कम हो गया, और उसके बाद जैसे ही नया माल आया वो तो मुझे ऐड करना ही नहीं है, उसके आने से पहले बताना है मिनिमम लेवल क्या हो सकता है। अब सर आपको कम से कम लेवल निकालना है तो 25,000 में से आपको माइनस करनी है एक फिगर, और वो फिगर एजम्पशन क्या लिया जाए कि मिनिमम लेवल नए माल के आने से जस्ट पहले मुझे निकालना है, नए माल के आने से जस्ट पहले। तो फॉर्मूला तो आप शायद समझ गए होंगे, रीऑर्डर लेवल माइनस कुछ दिन लगे और उन दिनों में कुछ कंजम्पशन ही, वो मुझे माइनस करना है तो मेरा मिनिमम लेवल आ जाएगा। लेकिन लेकिन यहां पे आपको दिमाग में क्या डालना है, मैं अब लाइन चेंज कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। मिनिमम लेवल का मतलब क्या होता है? एग्जैक्टली मिनिमम लेवल का क्या मतलब होता है
मिनिमम लेवल का मतलब होता है कि आपके गोदाम में कम से कम माल कितना हो सकता है या कितना होना चाहिए, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन योर बिजनेस कितना होना चाहिए। तो अगर सर 25,000 में आप एजम्पशन क्या लोगे, मैक्सिमम माइनस कर दें, वैसे तो अगर हम ये मान के चलें कि 25,000 पे हमने ऑर्डर प्लेस किया, टाइम भी मैक्सिमम लगेगा और उन दोनों कंजम्पशन भी हम मैक्सिमम करेंगे, तो 25 माइनस 25 आपका गोदाम में बच गया जीरो पर, इतना होना चाहिए। नहीं सर, नहीं चाहिए, लेबर खाली बैठेगी। तो सेकंड बेस्ट अजम्पशन क्या है मिनिमम लेवल निकालने के लिए, ये हम नहीं लेंगे। ये अजम्पशन क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि आप कह रहे हो कि किसी के गोदाम में जीरो माल होना चाहिए मिनिमम, किसी के गोदाम में जीरो माल होना चाहिए मिनिमम। अबे पगला गए हो का, गोदाम खाली बैठोगे का, कोई कस्टमर आ गया तो क्या करोगे, समझ रहे हो। तो सेकंड बेस्ट अजम्पशन यूज होगी यहां पे। वो सेकंड बेस्ट अजम्पशन क्या है कि हम क्या मान के चले, माल को आने में समय भी एवरेज लगा, क्योंकि मुझे मिनिमम निकालना है, समय भी एवरेज लगा और उन दिनों मैंने कंजम्पशन भी एवरेज की, तो उस केस में अगर 3,500 मेरी एवरेज कंजम्पशन और 3.5 दिन लग गए, तो 12,250 में यूज कर गया, 25 में से 12,250 खत्म हो गए, तो गोदाम में बचेगा 12,750 नए माल के आने से जस्ट पहले। और अगर सर तीसरी अजम्पशन भी करके दिखाओ, हम ये मान ले कि नए माल को आने में 2 दिन लगे मिनिमम और उन दिनों कंजम्पशन भी मिनिमम हुई, तो सर 4,000 आपका यूज हो गया, 25 में से 4 गए तो 21 बचे, लेकिन इन दोनों में से आंसर मिनिमम किस पे आ रहा है, इस पे आ रहा है। मैक्सिमम तो आप लोगे ही नहीं इसमें अजम्पशन, क्यों, क्योंकि वो गलत हो जाएगी। आप किसी को ये राय दे रहे हो कि तेरे गोदाम में मिनिमम माल जीरो होना चाहिए, कहेगा चल बगे यहां से, ये दोनों स्क्रू ड्राइवर है ना, अपने सर में मार और निकल यहां से, ठीक है। तो आपको सेकंड बेस्ट अजम्पशन देनी है। सेकंड बेस्ट अजम्पशन क्या है, सेकंड बेस्ट अजम्पशन क्या है, एवरेज इंटू एवरेज। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, फार्मूला 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 बताएं बेटा, मेरे को तो फार्मूला रटवाना है ही नहीं, मुझे फार्मूला बनवाना है। तो फार्मूला क्या बनेगा इसका, आर ओ एल में से माइनस कर दो एवरेज कंजम्पशन इंटू एवरेज डेज, तो आपका आंसर आ जाएगा मिनिमम लेवल, कम से कम आपका आंसर आ जाएगा। पहले मुझे आप ये बताएं कि का तुम्हें ये बात समझ में आई कि नहीं, कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। ये सिर्फ कहानियां चल रही हैं, अभी कहानियां चल रही हैं, कहानियां। मैं आज तुम्हें गारंटी से एक बात कह सकता हूं, गारंटी से, जहां जहां मैं तुम्हें गारंटी दूंगा ना, जहां जहां मैं तुम्हें गारंटी दूंगा, अपने दोस्तों से सहपाठियों से जो कहीं इधर उधर पढ़ते हो, सीएमसी से नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, उनसे पूछना इनका मतलब और ये फॉर्मूला कैसे बना, गारंटी दे रहा हूं, ओपन चैलेंज है, उनसे पूछना ये फॉर्मूला कैसे बना। अगर तुम्हें कोई व्यक्ति समझा पाए फॉर्मूला कैसे बना है, वो फॉर्मूला तो सुना देगा, रटा रटाया फॉर्मूला तो सुना देगा, क्वेश्चन भी कर लेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट पूछना कि भाई ये फॉर्मूला बना कैसे, बता सकता है क्या, नहीं बता सकता, तो हमारे सर के पास चला जाए, उनके पास स्क्रू ड्राइवर है, वो तेरे भी तेरे को भी समझा देंगे, मतलब, ठीक है। तो पॉइंट क्या है, ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया। चलो अब तीन फॉर्मूले अभी तक हमने किए, तीनों को दोबारा से देखते हैं एक बार। तीन फॉर्मूले अभी तक हमने किए, री ऑर्डर लेवल, हमें कब ऑर्डर प्लेस करना चाहिए, उसका फॉर्मूला क्या पढ़ा हमने, मैक्सिमम कंजम्पशन इंटू मैक्सिमम डेज, 25,000 जो हमारा आंसर आया था। मैक्सिमम लेवल मतलब गोदाम में मैक्सिमम माल कितना हो सकता है या कितना होना चाहिए, नए माल के आने के बाद की बात हो रही है, तो उसका फॉर्मूला क्या बनता है, री ऑर्डर लेवल माइनस मिनिमम इंटू मिनिमम, माइनस मिनिमम इंटू मिनिमम मतलब मिनिमम कंजम्पशन इंटू मिनिमम डेज प्लस में ईओक्यू। ये पॉइंट क्लियर हो गया। और मिनिमम लेवल का क्या फॉर्मूला बनता है बेटा, मिनिमम लेवल का फॉर्मूला कम से कम गोदाम में कितना हो सकता है या होना चाहिए, आर ओ एल माइनस एवरेज डेज इंटू एवरेज कंजम्पशन, ईओक्यू ऐड नहीं करेंगे, ईओक्यू ऐड करते ही वो माल बढ़ जाएगा, हमें मिनिमम लेवल निकालना है नए माल के आने से जस्ट पहले। ये तीनों फार्मूला तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया, कई लोग ऐसे बोलते हैं फॉर्मूला आया, गुस्सा आया, मैम भी ऐसा बोलती है, नॉर्मली क्या होता है गुस्सा आता है, लेकिन मैम और कई बनी है मैंने ऐसे देखा बोलता गुस्सा आती है। अब एक तुम तो मतलब लिंग बदल देते हो किसी भी चीज का। तो खैर एनीवेज, तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया, अब मैं भी उल्टा बोलूंगा। मानसी गोला कह रही है सर याद भी हो गया, बहुत बढ़िया। सर
समझ समझ के करेगी ना, मतलब करोगी तो समझ में आएगा ही। धन्यवाद ओम कुमार झा, बहुत बढ़िया। चलो अब अगला कॉन्सेप्ट, अगला कॉन्सेप्ट क्या लिखा है, ये तो बचपन से तुम्हें आता है, एवरेज लेवल। एवरेज लेवल का फॉर्मूला क्या होगा, तो तुम बच्चा बच्चा बेटा पांचवी कक्षा का बच्चा बता देगा एवरेज लेवल का फॉर्मूला। एवरेज लेवल बच्चा बच्चा जानता है बेटा इस फॉर्मूले को, ये तो बच्चा बता देगा कोई पांचवी कक्षा का। एवरेज निकालना है, अबे लेवल देखो मैं पूछ रहा, मुझे लग रहा था ये गलती करेंगे बच्चे। अदिति अग्रवाल, एवरेज स्टॉक नहीं पूछ रहा मैं, या एवरेज डिमांड नहीं पूछ रहा, या एवरेज कंजम्पशन नहीं पूछ रहा। आप समझो मेरे वर्ड्स को एनालाइज करो, मैंने आपसे एवरेज कंजम्पशन नहीं पूछी, मैंने एवरेज ऑफ लेवल पूछा है, लेवल का एवरेज। तो लेवल का एवरेज कैसे निकालोगे, मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल डिवाइड बाय टू। अगर अदिति मैं तुमसे पूछता एवरेज कंजम्पशन बताओ, तो क्या करते हो बाद में देखेंगे। एवरेज लेवल समझ में आया कि नहीं आया, मुद्दे की बात ये है। चलो तो अब ये आ गए हमारे फॉर्मूले, रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल इज दैट लेवल जिस पे हमें नया ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए, जिसका बेस्ट फॉर्मूला नंबर वन। ये ना मैंने प्रायोरिटी वाइज लिखे हुए हैं, एग्जाम्पल्स के साथ साथ समझेंगे। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया जिसमें आपको फॉर्मूला क्या लगा, मैक्सिमम कंजम्पशन इंटू मैक्सिमम टाइम, ये आपको समझ में आ गया। बाकी दो फॉर्मूले कब यूज होते हैं उसके एग्जाम्पल दूंगा तो क्लैरिटी आएगी। अभी फिलहाल एक एक समझो, पहले कॉन्सेप्ट को दिमाग में डालो, फिर मैक्सिमम लेवल का क्या फॉर्मूला है। मैक्सिमम मतलब जो आपके गोदाम में हाईएस्ट लेवल ऑफ इन्वेंट्री, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए या इतनी हो सकती है मैक्सिमम, उसका फॉर्मूला क्या बना, आरओएल माइनस मिनिमम इनटू मिनिमम प्लस ईओक्यू कह लो या आरओक्यू कह लो, दिस इज मैक्सिमम लेवल। मिनिमम लेवल क्या होता है जी, लोएस्ट फिगर जो आपके गोदाम में मस्ट बी मेंटेन, इससे कम नहीं होनी चाहिए या इतने मैक्सिमम मिनिमम इतना तो होना ही चाहिए एट ऑल टाइम्स, ताकि हमारी लेबर खाली ना बैठे और प्रोडक्शन ना रुके, नो स्टॉपेज ऑफ प्रोडक्शन ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इन्वेंट्री, प्रोडक्शन ना रुके। उसका फॉर्मूला क्या बनाया आपने, ROL में से एवरेज इंटू एवरेज माइनस कर दो। अगर मैक्सिमम इंटू मैक्सिमम माइनस कर दोगे तो ROL तो खुद ही उससे बना है, आपका आंसर जीरो हो जाएगा। पॉइंट क्लियर है। उसके बाद एवरेज स्टॉक लेवल का एक फॉर्मूला हमने पढ़ लिया, मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइड बाय टू। दूसरा अभी हमने नहीं पढ़ा है, वो एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे तो क्लैरिटी आएगी। अभी मैं इन चीजों में आपको नहीं घुसाना चाहता। ये चार आपके मेन फॉर्मूले, फिर जहां जहां जिसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी उसको वहां वहां पे समझेंगे एग्जाम्पल के साथ कि वो फॉर्मूला कब यूज होता है और क्यों यूज होता है, वो भी पढ़ेंगे। पहले जितना पढ़ा रहे हैं उतना समझो। उसके बाद आता है डेंजर लेवल। अब ये डेंजर लेवल क्या है, डेंजर 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 लेवल क्या होता है, समझो बात को। डेंजर का मतलब क्या होता है, सर रीऑर्डर लेवल पे आपको माल मंगा लेना चाहिए था, रीऑर्डर लेवल पे आपको नया ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए था, पर मैं भी तो इंसान हूं, भूल गया, ऑर्डर प्लेस नहीं कर पाया, ऑर्डर प्लेस नहीं कर पाया, अब मेरी हालत टाइट, 25,000 के लेवल पे मुझे ऑर्डर प्लेस करना चाहिए था, मैं भूल गया, नहीं कर पाया। अब मैं मन में क्या सोच रहा हूं, हे भगवान, एक तो पहली जो रीऑर्डर लेवल की अजम्पशन होती है भगवान कि मैक्सिमम डेज लगेंगे और उन दिनों में मैक्सिमम कंजम्पशन करूंगा, भगवान किसी भी तरीके से कस्टमर्स को मेरे पास मत भेजना, मेरी नौकरी चली जाएगी। अगर मैंने 25,000 के लेवल पे ऑर्डर प्लेस कर दिया होता तो मुझे कोई टेंशन ना होती, 5 दिन भी लगाता सामने वाला माल को लाने में और 5,000 भी कंजम्पशन होते तब भी मेरी लेबर खाली नहीं बैठती, मेरा मालिक मुझे गाली नहीं देता। लेकिन भगवान मैं 25,000 के लेवल पे ऑर्डर प्लेस करना भूल गया हूं, तो अब अगर माल को आने में 5 दिन लग गए और उन 5 दिनों में 5,000 कंजम्पशन भी हो गई तो मेरी लेबर खाली बैठ जाएगी, भगवान मेरी नौकरी चली जाएगी, भगवान कृपया करके मैं 25,000 के लेवल पे ऑर्डर प्लेस करना भूल गया हूँ, तो भगवान कोशिश करना मुझे एक तो जल्द से जल्द माल दिलवा दो,
जो इमरजेंसी के लिए मेरा काम चल जाए, और दूसरा भगवान उन दिनों जितने दिन माल को आने में लगेंगे इमरजेंसी में, भगवान उन दिनों मैक्सिमम कंजम्पशन मत कराना, भगवान मेरी नौकरी चली जाएगी उन दिनों कंजम्पशन आप मैक्सिमम मत करा लेना, बेशक एवरेज करा लेना लेकिन उन दिनों मैक्सिमम कंजम्पशन मत कराना, और जितना टाइम माल को आने में लगेगा इमरजेंसी में भगवान उतने दिनों में प्लीज एवरेज कंजम्पशन कराना, मैं 25,000 के लेवल पे ऑर्डर प्लेस करना भूल गया हूँ भगवान मेरी नौकरी चली जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया मुद्दे की बात क्या है, मुद्दे की बात समझ में आई कि नहीं आई बताओ, मुद्दे की बात समझ में आई कि नहीं आई। मुद्दे की बात यह है कि मैं रीऑर्डर लेवल पे ऑर्डर प्लेस करना भूल गया हूं, ठीक है ना, मैं रीऑर्डर लेवल पे ऑर्डर प्लेस करना भूल गया हूं, तो अब मैं क्या चाहूंगा, मैं ये चाहूंगा कि अब जितना टाइम माल को आने में लगता है इमरजेंसी परचेस करूंगा, मैं सबको फोन लगाऊंगा, हेलो भाई तू 2 से 5 दिन लेते ना, तेरी ऐसी की तैसी, साले नहीं लेके आना तेरी बीप 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 बीप, मेरी नौकरी चली जाएगी तेरी बीप 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 बीप, तो इमरजेंसी में बता बेटा जल्दी कर, मेरे को नहीं पता मेरा ऑर्डर अर्जेंट लगा, अब तू कितने दिन में माल लाएगा, इमरजेंसी है इमरजेंसी, हाँ मेरी हालत हो जाएगी नौकरी चलेगी बीवी मार देगी जूते बूते, तो प्लीज यार अभी बता कितना टाइम लगेगा इमरजेंसी में। वो कहता चल इमरजेंसी कह रहा तो मैं चलते को 3 दिन में ला दूंगा, भगवान सामने से मुझे आज्ञा मिल गई है 3 दिन में माल आ जाएगा पक्का बात हो गई है, प्लीज भगवान उन 3 दिनों में भी मैक्सिमम कंजम्पशन मत कराना, भगवान एवरेज कंजम्पशन करवा लेना, दिस इज कॉल्ड एज डेंजर लेवल। इसको हम क्या बोलते हैं, डेंजर लेवल। डेंजर लेवल का मतलब रीऑर्डर लेवल पे आपने ऑर्डर प्लेस किया नहीं, उससे माल कम हो गया जिस पे आपको इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए, माल को मंगाना चाहिए, अदरवाइज लेबर आपकी खाली बैठ जाएगी, दैट इज कॉल्ड एज डेंजर लेवल। और अगर आपने एवरेज कंजम्पशन से भी बुरी एजम्पशन, मतलब इस लेवल पे भी अगर आपने माल नहीं मंगवाया तो आपको फिर क्या एजम्पशन लेनी पड़ेगी, भगवान 3 दिन अब मेरी मिनिमम कंजम्पशन हो, अब 3 दिन में मेरी मिनिमम कंजम्पशन हो, ये मेरी सेकंड प्रायोरिटी है। फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी क्या रहती है कि मैं एवरेज कंजम्पशन लेके चलूं लीड टाइम फॉर इमरजेंसी परचेज में। बताओ ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया। डेंजर लेवल का मतलब वो लेवल कि रीऑर्डर लेवल पे मैं माल मंगवाना भूल गया तो उससे नेक्स्ट लेवल जिस पे मुझे इमीडिएट एक्शन ले लेना चाहिए विद डेंजर एजम्पशंस। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया। और नेक्स्ट आता है सेफ्टी स्टॉक, इसकी बात हम करेंगे लेकिन आज नहीं, इसकी बात मैं अभी नहीं करूंगा, पहले आपको बाकी सारी चीजें समझ में आनी चाहिए, ठीक है ना, उसके बाद हम इस पे आएंगे। ये कुछ भी नहीं है, ये तो जैसे आप अपनी मम्मी से पूछो, उनके पास भी सेफ्टी स्टॉक होता होगा। सेफ्टी स्टॉक का मतलब वो छुपाए हुए पैसे जो पापा ने कभी दिए थे खर्चे के लिए लेकिन मम्मी ने आंटी कर लिए और उनकी आंटी में पड़े होते हैं, कभी भी पापा से झगड़ा हो जाए और वो पैसे ना दें किसी फंक्शन पे तो साड़ी कुछ कपड़े जूते चप्पल लेने के काम आए, वो पैसे उसको बोलते हैं सेफ्टी स्टॉक। डीमोनेटाइजेशन जब हुआ था तो सबसे ज्यादा हालत किसकी खराब हुई थी, इन टाइप की औरतों की, जो पति से छुपा छुपा के पैसे इधर उधर रखती है और उसके बाद वो नोट हो गए बंद, सबसे ज्यादा नुकसान इनका हुआ था, ठीक है ना, वो नोट हो गए बंद, ना पति को बताने लायक, भैया घर में 2 लाख रुपए मेरे पास कैश हैं, पति कहेगा आए कहां से, पहले तो वो इस बात पे जूते मारेगा, पति कहेगा आए कहां से, और फिर अब ले उखाड़ ले उड़ा इनको अपने पर, सो इनके ऊपर श्री देवी बन के। तो पॉइंट क्या है कि उसे बोलते हैं सेफ्टी स्टॉक। सेफ्टी स्टॉक का मतलब बिल्कुल अंदर के गल्ले में थोड़ा सा माल संभाल के रखें कि बाई चांस बहुत अनहोनी होगी, कोरोना काल आ गया तो एकदम से प्रोडक्शन ना रुके, उसके लिए जो माल हम अपने पास रखते हैं दैट इज कॉल्ड एज सेफ्टी स्टॉक, उसको हम सेफ्टी स्टॉक कहते हैं। अनएक्सपेक्टेड कभी डिमांड आ जाए, जैसे आजकल जो मास्क मेकिंग कंपनीज हैं या सैनिटाइजर मेकिंग कंपनीज हैं, अनएक्सपेक्टेड कभी भी लॉकडाउन 3 लग गया, एकदम से कोरोना काल की जगह अब मान लो कोरोना आया था, कोरोना वायरस, अब कोई और वायरस आ गया, निमोना वायरस, कोरोना वायरस, कुछ भी आ गया, तो फिर मास्क और सैनिटाइजर का चलन चल जाएगा, तो इन कंपनीज ने अपने पास एक्स्ट्रा अनएक्सपेक्टेड डिमांड के लिए जो माल संभाल के रखती है दैट इज कॉल्ड एज सेफ्टी स्टॉक, टू अवॉइड
एनी कंटिजेंट इंटरप्शन, कि अगर बाई चांस अनएक्सपेक्टेड कोई मार्केट में फ्लक्चुएशन आ जाए तो हम मार्केट में माल सप्लाई कर सके और हमारी प्रोडक्शन ना रुके। ये पॉइंट समझ में आया सेफ्टी स्टॉक का मतलब? अभी फॉर्मूले पे मैं गया ही नहीं हूं, फॉर्मूला मैं आपको समझाऊंगा आराम से। सेफ्टी स्टॉक का मतलब समझ में आया कि नहीं आया? मुद्दे की बात यह है, ठीक है ना? तो इनके फॉर्मूले जितने अभी तक हमने किए सिर्फ आपको वही रिवाइज करने हैं और इधर उधर अपना भटकाना नहीं है। और आपको रिकॉर्डेड क्लास जब आप लोगे, रिकॉर्डेड क्लास के अंदर आप क्या करोगे कि आप ये सारे चीजें नोट करोगे, रिकॉर्डेड क्लास को पॉज करोगे। पॉज करके बहुत अच्छा उपाय है, या तो आप पहले लिख लो या फिर आप मेरे समझाने के जब बाद लिखते हो तो एक तरीके से आपकी ऑटोमेटिक रिवीजन हो जाती है। आपने मेरे साथ पढ़ा और शाम को जब उसको लिखा अपने हाथ से तो वो एक तरीके से रिवीजन हो गई, लिखित में, राइटिंग में रिवीजन हो गई और आपका कॉन्सेप्ट वो पक्का हो जाएगा। बहुत अच्छा उपाय है। जल्दी डलवाना बेटा, ये सब काम 2-3-4 बजे के बाद होते हैं, ठीक है नवजोत सिंह सिद्धू? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप यहां तक की कहानी क्लियर हो। अगर आपको यहां तक की कहानी क्लियर है तो आपको पता है क्या करना है। इस वीडियो को लाइक करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। और जिसने अभी तक एडमिशन नहीं लिया, नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके आप एडमिशन ले सकते हैं। ऑनलाइन लाइव क्लासेस मात्र 48,000 प्लस अनलिमिटेड रिकॉर्डेड व्यूज। और जिसने सिर्फ रिकॉर्डेड लेना है मात्र 40,000 रुपए में बहुत ग्रुप आपको रिकॉर्डेड मिलेंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट आपके हर जगह घुसाया जाएगा, दिमाग में, दिल में, और जहां आपका मन करे हर जगह कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा और सारे सवाल क्लास में डिस्कस होंगे और इससे बाहर पेपर नहीं आएगा, ठीक है ना? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।